विधवा महिलाओं के लिए कल्याण के लिए सरकार की ओर से तो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कई सामाजिक संस्थाएं भी विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए आगे आ रही हैं। और इन्हीं संस्थाओं में एक नाम है लुम्बा फाउंडेशन का। इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पर गुरुग्राम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में लुम्बा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर की पत्नी शेरी ब्लेयर भी मौजूद रही। साथ ही फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेश में मनोहर सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सभी क्षेत्रों में सरकार चहुमुखी विकास करा रही है। प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले विधवाओं की संख्या ज्यादा है और इसके लिए सरकार ने लुम्बा फाउंडेशन से हाथ मिलाया है। इस फाउंडेशन की ओर से विधवा महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे और महिला को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पर गुरुग्राम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न सिर्फ विधवाओं के पुनर्वास को जरूरी बताया, बल्कि इसे सरकार की प्राथमिक योजनाओं का हिस्सा भी करार दिया। His tireless efforts have resulted in the UN adopting 23rd of June as International Widow Day, the day his mother became widow in 1954. And I'll share with you just 50 days after I stepped into this world, because my date of birth is 5th of May 1954. And today, he has brought the world together in this room to help the widows. A big hand for Lord Lumba and his friends across the world. Haryana mein aapne suna hai, Chief Minister saab ko bolte aaj, he's set up a cell for widows, which is, I'm really thrilled because this will help widows in a big way. I have already spoken with him and he is going to make partnership with the Lumba Foundation and help as many widows as possible. लुम्बा फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में फाउंडेशन की प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर की पत्नी शेरी ब्लेयर भी मौजूद रहीं। शेरी ब्लेयर ने फाउंडेशन की विचारधारा को लेकर विश्वास जताया। सर, आई शुड थैंक लुम्बा फाउंडेशन। I should thank Lord Raj Lumba, doing a tremendous job worldwide to empower widows worldwide. And you have seen today Mr. Manohar Lal Khattar's speech as well. Mr. Khattar announced that he'll set up a cell on widows, right? So I should say कि सारी स्टेट्स को भी उनके साथ आना चाहिए। हर स्टेट को इस विडोज के लिए सशक्तिकरण में काम करना चाहिए। लुम्बा फाउंडेशन 10 चीजों पे स्किल ट्रेनिंग देता आ रहा है, आगे भी देगा, तो इससे बहुत अच्छी पहल है। बहुत अच्छा चैरिटी का काम कर रहे हैं, इसमें सबको आगे आना चाहिए। हम भी आगे आए हुए हैं और कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना प्रभु हिम्मत देता है, बाकी सबको आगे आना चाहिए और इस काम में आगे हाथ बटाना चाहिए। विडो के ऊपर, बच्चों की शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत खुशी है, देखकर बड़ा आनंद लगा, अच्छा लगा। प्रदेश में विधवाओं की संख्या बाकी के प्रदेशों से कहीं ज्यादा है। प्रदेश सरकार विधवाओं के विकास के लिए कई स्कीम चला रही और इसके अलावा जिस तरह से लुम्बा फाउंडेशन जैसे संस्थान महिलाओं के विकास के लिए आगे आई हैं, इससे महिलाओं को जरूर फायदा होगा और उनके आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिलेगा। राज वर्मा के साथ गुरुग्राम से सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।